So we are start with charge. This is the first topic of chapter 12 electricity of CBSE class 10. So पहले चार्ज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एटम की तरफ. ठीक है, तो ये एटम है. एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता होगा. न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ठीक है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव. ठीक है, यहाँ तक का कहानी हम सभी को पता है. ठीक है, सो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट. ठीक है, अपोजिट नेचर का है तो एक दूसरे को क्या कर देगा? वो कैंसिल कर देगा. ठीक है, कैंसिल कर देगा तो क्या पूरे का पूरा कैंसिल कर देगा? तो हाँ, पूरे का पूरा कैंसिल कर देगा, क्योंकि देखो दोनों के पास चार्ज जो होता है, चार्ज होता है सेम. चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है, कूलम इज द यूनिट टू मेजर चार्ज. दिस इज CoulomB. ओके, तो इट इज अ यूनिट टू मेजर चार्ज. तो प्रोटॉन हैज पॉजिटिव 1.6 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज. ओके, सो दे बोथ हैव इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, सो बोथ चार्ज विल कैंसल इच अदर. ओके, सो इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दैट इज व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, हर चीज एटम से मिलके बना है, और हर चीज के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और हर प्रोटॉन और हर इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? बराबर होता है. अब अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, अगर किसी तरीके से बैलेंस को डिसबैलेंस कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो अगर सपोज एक एटम है, उसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तब इसके पास हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, ये 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखा था, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लूज करता है, वैसे ही एक प्रोटॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो चूंकि प्रोटॉन एक्टिवेट हो रहा है, इससे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज. दिस विल बी 1.6 × 10⁻¹⁹. ओके, इन अनदर सिनेरियो लेट अस कंसीडर दैट सपोज वी हैव अनदर अदर एटम, इट हैज अगेन 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, एंड इफ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल हैपन? सो अभी तक ये था कि अब इसके पास 10 प्रोटॉन थे, और ये 10 प्रोटॉन इसको और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर दिए थे? बैलेंस कर दिए थे. बट उसके बाद क्या होगा? अभी 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है. ठीक है, तो ये बैलेंस किस तरफ चला गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ चला गया, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो न इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के पास चार्ज आएगा नेगेटिव, एंड इट विल बी −1.6 × 10⁻¹⁹. ओके, सो द चार्ज इज एवरीवेयर इन नेचर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड एवरीथिंग हैज चार्ज. सो बेसिकली वी आर स्टडिंग नेचर, एंड नेचर हैज दिस फिजिकल एंटिटी एवरीवेयर. ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाई एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी. ओके, अ बॉडी सेट टू बी नेगेटिवली चार्ज. ओके, नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो. और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कम हो जाए नंबर में, क्योंकि देखिए प्रोटॉन को लूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यू विल लर्न दिस इन अपकमिंग ईयर्स दैट प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। उसका रीज़न आप अगले क्लासेस में जान लेंगे, ठीक है। जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। प्रोटॉन के साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। ओके ओके, अगेन दिस इज अ डेफिनेशन आई गॉट फ्रॉम विकीपीडिया। ये विकीपीडिया का डेफिनेशन है, इसको पढ़ना होगा तो पढ़ो, बट ये थोड़ा सा देखो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाई सम एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखा है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो किसका बेसिक प्रॉपर्टी है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल। कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दे बोथ आर एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल वो है आखिरी पार्टिकल, जैसे एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, नहीं, इलेक्ट्रॉन आखिरी है, और वैसे ही प्रोटॉन भी है। अभी और कुछ रिसर्च हुई है कि प्रोटॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बना है, बट अभी तक आपको अपनी क्लास में यही पढ़ना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल है, और एलिमेंट्री पार्टिकल के पास ही क्या होता है, चार्ज, ठीक है। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। यूनिट क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ को मीटर से, वेट को केजी से, और चार्ज को हम लोग मेजर करेंगे कूलम से, ठीक है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी है ये, दिस प्रॉपर्टी इज फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। फॉरगेट अबाउट इट। सपोज वी हैव, आई हैव एन एटम एंड इट इज बैलेंस, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सपोज इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास चार्ज आएगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने से आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आएगा, बट कितना नेगेटिव चार्ज, वो तो आपको मेजर करना है। तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए देखो, हमने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एन इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसको रट्टा मार लेना कि ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। जो भी चार्ज आएगा वो इसके मल्टीपल में ही आएगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज लूज करेगा या गेन करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन। तो देखो चार्ज तो इसी के मल्टीपल में ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि वो कोई और वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो सपोज वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है या गेन करता है, डजेंट मैटर, ओके। सो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करता है लूज करता है तो वन ही, दो करता है तो टू ही, तीन करता है तो तीन ही। क्या ये पॉसिबल है क्या कि वो 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, या 2.5 इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सो जो भी चार्ज होगा, चार्ज हमेशा मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसी के मल्टीपल में ही आएगा, दूसरे के मल्टीपल में नहीं आएगा। सो अगर 1e, 2e, 3e आ रहा है, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा, किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा, ये जो चार्ज है हमारा एलिमेंट्री जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं e से, इसके मल्टीपल में ही आएगा, 1e, 2e, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई। रिमेंबर दिस ब्यूटिफुल इक्वेशन, ओके। सो हियर इट इज रिटन, यू कैन राइट इन योर नोट्स, द टोटल चार्ज अक्वायर्ड बाय योर बॉडी। एक बॉडी जो भी चार्ज अक्वायर करता है, उसके पास जो भी चार्ज आता है, लेता है, वो हमेशा जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके मल्टीपल में ही आता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, ओके, इसके मल्टीपल में ही आएगा चार्ज, इसके मल्टीपल के अलावा दूसरे में नहीं आएगा। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन इज सीम्स लाइक अ हैवी वर्ड, बहुत हैवी हाई फाई वर्ड लग रहा होगा, बट इसका सिंपल सा ये मतलब है कि वो कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर वैल्यू ही ले सकता है। जैसे कि आपका जो क्लास है, आपके क्लास में बच्चे कितने हैं, या तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, क्या आपके क्लास में बच्चों की संख्या कभी ऐसे होती है क्या कि एक है, डेढ़ है, ढाई है, 3.5 है, या √3 है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, दैट जब कोई चीज़ एक सर्टन वैल्यू ही ले सकता है, उसके अलावा दूसरी वैल्यू अक्वायर नहीं कर सकता। तो चार्ज भी हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19
का जो मल्टीपल है उसी की वैल्यू ले सकता है, दूसरी वैल्यू ये नहीं ले सकता। सो हियर इट इज रिटन, एन का वैल्यू हमेशा किस में रहेगा, होल नंबर में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो हम कभी भी 1.5, 2.5 ऐसा नंबर वो नहीं आएगा। एंड ई का वैल्यू तो फिक्स है, ए इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹, एंड द यूनिट ऑफ चार्जेस इन कूलम। ओके ओके, यू कैन राइट दैट इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट वॉट इज क्वांटाइजेशन। इफ समथिंग इज क्वांटाइज दैट मीन्स इट कैन ओनली टेक ऑन सर्टन स्पेसिफिक वैल्यूज रादर देन अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू। अगर कोई चीज़ क्वांटाइज है तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकता है, ना कि कंटिन्यूअस वैल्यू, जैसे कि 1, 1 के बाद 1.5, 1.6, 1.7, ऐसा नहीं, 1, 2, 3, 4, समथिंग लाइक दैट। ओके सो लेट अस टेक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम चार्ज। सो वी हैव टू कैलकुलेट, एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और चार्ज वाला क्वेश्चन हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा, क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये फॉर्मूला किसी ना किसी रूप में आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे को नंबर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। ओके, ई का तो वैल्यू फिक्स है, ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹, वी हैव टू कैलकुलेट एन। सो वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एन विल बी एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, दिस इज इक्वल टू 1 upon 1.6 × 10⁻¹. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन करके, ये एक्चुअली दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बस एक मिस्टेक, ओके इट इज करेक्ट। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, एंड यू कैन सी दैट इफ 6.25 × 10⁻¹, अगर इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है, ठीक है, तब जाके 1 कूलम चार्ज जो है वो बनेगा। ठीक, ओके सो अगेन अ क्वेश्चन, चार्ज ऑन Na प्लस आयन। ओके, तो Na प्लस आयन कब बनेगा, जब जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है तो उसके पास चार्ज आता है, दिस इज Na प्लस आयन। ठीक है, एक प्रोटॉन एक्टिवेट हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक्टिवेट होगा तो उसके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹ कूलम। ठीक है, सो वैसे अगर आप चाहें यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कैलकुलेट चार्ज ऑन Cl 2−ion, यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन Cl2−ion। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके एंड थैंक यू, इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।